आप लोगों का मेरे YouTube चैनल LWT जॉब में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान से शिक्षक और अन्य भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी आई है। सैलरी जो है 70,000 पर मंथ सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। सिलेक्शन कैसे रहेगा, एज, क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से पहले भी जो है वैकेंसी के नोटिफिकेशन जारी किए गए और आप लोगों को सूचना समय पर दी गई। तो इसमें जो है फिलहाल जो वैकेंसी आई हुई है परमानेंट भर्ती सूचना संख्या 2/2024 परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित 15 केंद्रों पर 30 विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों का संचालन करती है। इन विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम जो है वो है अंग्रेजी। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर ही दे दिया गया है। यहाँ पर देखें श्रेणी दिया हुआ है और रिक्तियों की संख्या। प्रधानाचार्य के कुल 6 पदों पर वैकेंसी आई है और विशेष शिक्षक के 3 पदों पर वैकेंसी आई है और इनकी संख्या जो है वो आगे बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, जैसा कि लिख देते हैं यहाँ पर, विज्ञापित रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ये घट या बढ़ सकती है। तो घटाते तो नहीं है, बढ़ाते ही हैं। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। प्रधानाचार्य पद की आवश्यक न्यूनतम योग्यता एवं कार्य अनुभव, कम से कम जो है 50% मार्क्स के साथ में या समकक्ष CGPA के साथ मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, BEd होना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। अनुभव जो है मांगा गया है केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार के स्वायत्त संगठन में वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में समान पद या प्रधानाचार्य पद धारण करने वाले व्यक्ति, या फिर PGT के रूप में 5 साल का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में 5 वर्ष का, और उप प्रधानाचार्य के रूप में 2 वर्ष का। ठीक है, काम आपने किया हो, ये अनुभव होना चाहिए। या फिर लेवल 8 में कम से कम 8 वर्षों की नियमित सेवा के साथ PGT या प्रवक्ता का पद धारण करने वाले व्यक्ति, विशेष शिक्षा में BEd डिग्री रखने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हो गए, ये ध्यान में रखना है। अभी विशेष शिक्षक पद के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो 3 वर्ष की जो है यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों या समकक्ष CGPA के साथ जो है BEd विशेष शिक्षा में होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेष शिक्षक पद के लिए विशेष शिक्षा में BEd मांगा गया है। बाकी जो है प्रधानाचार्य के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिनके पास विशेष शिक्षा में BEd है वो उम्मीदवार यहाँ पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, तो आयु सीमा प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, अधिकतम 50 वर्ष है, आयु में छूट सहित अधिकतम 55 वर्ष, और विशेष शिक्षा में न्यूनतम 18 और अधिकतम 35 वर्ष। आयु सीमा में छूट जो है यहाँ पर श्रेणी वाइज दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष की, महिला उम्मीदवार 10 वर्ष की छूट है, केंद्र सरकार में अगर कर्मचारी हैं 5 साल की छूट है, और दिव्यांग की जो है 13 वर्ष की है अन्य पिछड़ा वर्ग में, और अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो 10 वर्ष में। ठीक है, और बाकी जो है कोई भी कैंडिडेट किसी भी राज्य के क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन जो है कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन भी जो है इसमें दिया गया है। आवेदन शुल्क भी जो है इसमें ₹750 जो है इसमें आपकी लगने वाले हैं। ठीक है, आवेदन में छूट जो है महिला SC ST PWD और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए है। तो इसमें चयन का तरीका जो है लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो ये जो है लिखित परीक्षा के लिए दिया हुआ है पूरा कि कितने मार्क्स का होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू का। इस तरीके से ये वैकेंसी है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान, यहाँ पर आप लोगों को 3rd नंबर पर रिक्रूटमेंट मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ 22 जून 2024 का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में विज्ञापन है, इसको आप ओपन कर लेंगे और पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ही जो है आवेदन करना है। ठीक है, लास्ट डेट ध्यान में रखनी है 12 जुलाई 2024। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।